हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल है वो कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त परेशान हैं कि जो कि थंबनेल का जो ऑप्शन है उनको वो नज़र ही नहीं आ पा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे मैं अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगाता हूँ तो आप भी इसी तरह से अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें ताकि इससे क्या होगा जो भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल फोन पर थंबनेल है वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके समझाने के लिए मैं जाना होगा आप अपने यूट्यूब वीडियो में थंबनेल है वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई नहीं किया तो उसका सेम प्रोसेस है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने चले जाना है यहाँ पर क्रोम को अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर लेना। तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को थंबनेल लगाने के लिए वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपने लिखा है वाइट स्टूडियो, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गिट स्टूडियो के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि फ्रेंड जो कि हमारा जो कि यूट्यूब का जो कि डैशबोर्ड है यहाँ पर जो कि ओपन हो चुका है। आपके सामने कुछ भी कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम करूँ, यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा आपको जनरल, जनरल का ऑप्शन मिलेगा नीचे चैनल का, चैनल का ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। ये सभी सेटिंग जो कि यहाँ पर जो कि 2020 में यूट्यूब का न्यू अपडेट आया था ये उससे रिलेटेड है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे के ऑप्शन पर आपको अवेलेबल लिख रहा है, तो यहां पर इस पर एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, उस नंबर पर ऑप्शन मिलेगा कस्टम थंबनेल। अब हमने YouTube को जो सेटिंग में वेरीफाई करना होगा चैनल, उसके लिए हमें कस्टम थंबनेल के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके फोन पर OTP आएगा, तो वहां पर आप YouTube को जो चैनल है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपका YouTube चैनल वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी थंबनेल के लिए। थंबनेल लगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है वाइट स्टूडियो। आप मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस शो होगा। तो यहां पर जैसे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है यहां पर आपको सभी आपकी जो वीडियो मिल जाएगी। तो यहां पर आप तीन डॉट्स पर क्लिक करें तो यहां पर आपको वीडियो का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां पर सभी आपकी जो भी वीडियो आएंगी वो आ जाएंगी। अब आपने थंबनेल कैसे लगाना है उसके लिए आपने करना क्या हो, यहां पर इस पहले वीडियो पर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पर एक पिल्सन का ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको पिल्सन का, तो यहां पर इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देखें कस्टम थंबनेल, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा ले जाएगा गैलरी में। तो यहां से आपने जो भी अपनी वीडियो लगाने चाहिए थंबनेल लगाना चाहते हैं वो यहां पर थंबनेल रख सकते हैं। जैसा कि मैं अपने ये थंबनेल को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर देखें सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करेंगे तो यहां पर जो कि हमारा YouTube का जो कि वीडियो का थंबनेल है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो यहां पर हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो हमारा जो थंबनेल है वो सेव हो चुका है। ऑटोमेटिक जो हमारा जो थंबनेल है वो सेव हो जाएगा। अगर मैं यहां से बैक करूं तो यहां पर देखें हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन पर जो कि जो हमने थंबनेल सेलेक्ट किया था वो थंबनेल है वो सेलेक्ट हो चुका है। यहां दोस्तों आप अपने YouTube वीडियो में इसी तरह से अपना YouTube पर जो थंबनेल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें ताकि इससे क्या हो जो भी मेरी YouTube से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपने मुझे Instagram और Facebook फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।